नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रनीत गुप्ता। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का बवाना स्थित अदिति महाविद्यालय के जर्नलिज्म की छात्राओं ने कॉलेज लेवल पर होने वाले चुनावों में एग्जिट पोल का इस्तेमाल कर इतिहास बना दिया है, जिसमें एग्जिट पोल का परिणाम 100% सही भी निकला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये जो जीत का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा है बवाना के अदिति कॉलेज का, जहां की छात्राओं ने अपने कॉलेज लेवल पर होने वाले चुनावों में जीत दर्ज कराई है, जिसका श्रेय विजेताओं ने अपने कॉलेज व प्रिंसिपल को दिया। जो हमारा अदिति कॉलेज उसे और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगी और मैं और मेरा पूरा पैनल उसकी पूरी कोशिश करेगा। मेरे विजेता होने का कारण मेरे सारे दोस्त है और कॉलेज में जो भी सब है, सीनियर्स भी हैं, और हमारा जो मुद्दा था इस साल की हमें क्यों विजेता बनाए, वो था एक सैनिटाइजेशन था हमारे, कि हमारे कॉलेज में साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब होती है बहुत कम होती है। इसी जीत के साथ मैं अपने कॉलेज में कॉलेज को डूसू लेवल पे बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। सब बोलते हैं कि अदिति महाविद्यालय एक लोकल एरिया का कॉलेज है तो उसको एक गंदी नज़र से देखा जाता है। मैं अपने कॉलेज को फेमस करना चाहती हूँ ताकि DU से भी बच्चे आके ये बोले कि अदिति महाविद्यालय एक बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में पहली बार ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें जर्नलिज्म की छात्राओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस प्रयास के बाद अदिति कॉलेज इनोवेटिव टीचिंग मेथड को अलग ऊंचाइयों पर ले गया है। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का उत्सव, अदिति महाविद्यालय में इलेक्शंस को इसी नाम से जाना जाता है। इसमें किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, महाविद्यालय इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के स्टूडेंट्स पे मेरा पूरा फेथ है, जो इलेक्ट होकर आए हैं वो कॉलेज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और इसका श्रेय मैं जो सक्सेसफुल इलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ के स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स को जाता है, सबको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर हमने एक बड़ा एक इनोवेटिव असाइनमेंट किया था, जिसके थ्रू हमने स्टूडेंट्स की ओपिनियन पोल लिए और स्टूडेंट्स के एग्जिट पोल लिए। और मैं आपको बताने में बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि जो भी ओपिनियन पोल्स आए वो बिल्कुल मैच किए एक्चुअल रिजल्ट से। डॉक्टर नीलम राठी व हिंदी विभाग की इंचार्ज डॉक्टर मधु ने चुनाव से 5 दिन पहले 40 छात्राओं का ग्रुप बनाकर पोल्स की विशेष तैयारी करवाई। कि जो ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हम इनको थ्योरी में पढ़ाते हैं, वो हमें इनको प्रैक्टिकल रूप में दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए और इनको करने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। यही माइंड में क्राइटेरिया रखकर मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की और स्टूडेंट से बात की और फिर हमने इसको शुरू किया। फर्स्ट टाइम रहा, सक्सेसफुल रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत ईमानदारी के साथ छात्राओं ने जो सर्वे भरवाया, और जो छात्राएं सर्वे भर रही थी उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ और बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी जो प्रेफरेंस थी वो बताई। हमारा एक तरीके से असाइनमेंट था, जिसमें हमें जो चुनाव की जो हमारे चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उन्हें हमें दिखाना था, ओपिनियन भी और उसका एग्जिट पोल भी, तो ये सारी चीज़ें हमें उन्हें दिखाना था, जिसके लिए हमारे टीचरों ने हमें काफ़ी सहायता की, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट की जो हेड है हमारी मधु रोमेश मैम और साथ में हमारी प्रिंसिपल मैम है, इन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया कि आज आप देख सकते हैं कि आप यहाँ हैं और हम लोग को जितनी भी फैसिलिटीज़ मिल रही वो हमारे टीचर्स की, हमारे प्रिंसिपल की, सब हमें सपोर्ट है। कॉलेज की तरफ से किया गया ये प्रयास सराहनीय है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में भी अदिति कॉलेज की पहल मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन लोकेश कुशवाहा के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।